हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल मिरेकल्स ऑफ राधा कृष्णा। आई एम योर फ्रेंड तनु कात्यायनी गुप्ता और एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ और ये कमेंट बेस्ड वीडियो है। कमेंट में मुझसे पूछा कि हम सुबह सुबह चैंटिंग नहीं कर पाते, हम लोग कोशिश करते हैं, पूरा पूरा एफर्ट करते हैं कि सुबह उठें, जागें और चैंटिंग करें, पर नहीं हो पाता। दो या तीन दिन हम करते हैं, फिर फोर्थ डे सेम रूटीन होता है कि हम देर से जागते हैं और हमारा ब्रेक हो जाता है। तो हम क्या करें, हम कौन से टाइम करें कि हमें रिजल्ट का भी मिल जाए और हमें सुबह उठना भी ना पड़े। तो फ्रेंड्स, बेस्ट टाइम मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वैसे तो बेस्ट मैं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को किसी भी समय हम ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी समय पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कोई रूटीन थोड़ा है कि हमने 9 बजे खाना खाया तो 9 बजे ही खाएंगे। कई बार हम लेट हो जाते हैं, कहीं बाहर हैं तो 10 भी होते हैं, 10 भी बज जाते हैं खाने में, 11 भी हो जाते हैं। तो ऐसे तो कोई रूल नहीं है कि हमें 9 बजे ही खाना है। अब टाइम निकल गया तो हम नेक्स्ट डे खाएंगे। तो फिर हम मंत्र चैंटिंग में ये सब में क्यों सोचे इतना। तो अगर आप सुबह सुबह नहीं कर सकते, देखिए फोर्सली अगर आप कुछ काम करोगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड उसमें प्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। आपका माइंड होगा आपकी नींद में, आपको ये लगेगा कि इस वक्त मैं सोता होता और मुझे ये करना पड़ रहा है, तो ये थॉट आते ही आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप मन से करेंगे ना, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, चाहे आप किसी भी टाइम करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट अच्छा भी मिल जाए और आपको सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े नींद का, तो आप रात को सोने से पहले कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले आप 15 मिनट चैंटिंग कर लीजिए, जिस भी मंत्र को आप चैंट करते हो उस मंत्र की, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, आप सुबह सुबह चैंटिंग कई बार होता है कि नहीं होता, नहीं आँख खुल पाती, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हो जाते गलतियाँ, सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई है। तो आई कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या है, मेरे से भी होता था कि कई बार मैं नहीं जग पाती थी। और क्या होता है कि वो जब हम ना कभी हमारे से कंटिन्यू नहीं हो पाता, तो हमारे अंदर अंदर से नेगेटिव थॉट आ जाता है कि अरे आज नहीं हो पाया, क्या करें। तो एक अंदर से फील आता है कि कोई ऐसे टाइम पे कर लें जिससे हम रोजाना रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ अगर चैंटिंग करेंगे तो हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो रात को सोने से पहले अगर आप 15 मिनट, आप चाहे कितने बजे भी सो, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, बस आपको यह है कि आपको सोने से पहले 15 मिनट करना ही करना है, उसके बाद आप सो जाइए। आपका वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप चैंटिंग जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, जिस विश के लिए कर रहे हो ना, वो सेव हो जाएगी और मतलब उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि माइंड में भी आपकी चैंटिंग चलती भी होगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो फास्टली और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको सेक्रीफाइस भी नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी को काम को मन से विश्वास के साथ करते हैं ना, तब उसमें 1000% चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं, इनहेंस हो जाते हैं उस काम को पूरा होने के लिए। तो आप इतना मत सोचिए कि सुबह उठ के करेंगे तो ही मिलेगा रिजल्ट। हाँ, आई नो कि ब्रह्म मुहूर्त में करने का एक अलग ही होता है, पर अगर जो नहीं कर पाते आप फोर्सली किसी को, थोड़ी ना आप कोई नॉनवेज नहीं खाता तो फोर्सली किसी को नॉनवेज थोड़ा खिलाओगे। आप कोई नहीं जग पाता तो फिर हम क्या करें, जगे अगर कोई जाग जाए फोर्सली अपने आप को, मतलब खुश होकर काम करने में, यहाँ पर मेरा आई मीन टू से कि खुश होकर काम करने में एक अलग ही बात होती है। अभी आपको पता है, अरे नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, सुबह उठना पड़ रहा है, मंत्र चैंट करना है, रात को सोने से पहले 10 क्वेश्चन माइंड में घूमेंगे, तो फिर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपका जो अंदर से एनर्जी है, वो जो पॉजिटिव जिस चीज़ को आपको करना है पॉजिटिव होकर, वही चीज़ में आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन आते रहेंगे, अभी तो जगना है, अभी तो ये करना है, उससे तो बेटर है कि आप करके सो जाइए। कम से कम आप पॉजिटिव होकर उसको सोचकर करेंगे तो क्वेश्चन जितने आएंगे उतना ही आपको नेगेटिव एनर्जीज और अट्रैक्ट करेंगी। बेटर है रात को 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपसे हो सकता है आप करिए, 10 मिनट भी कर सकते हो, आप चैंटिंग करिए, सो जाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो अच्छे सा लेकर आऊंगे आप लोगों के लिए। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।